नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिव्यांग बच्चों को बांटे चेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ने की सामग्री के साथ बच्चों को आर्थिक सहायता के चेक भी बांटे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने घी के दिए जलाए और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से लाभान्वित लोगों को सम्मानित भी किया। न्यूज नाइन भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हाँ मैडम, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहा है? सबसे पहले तो मैं कोटद्वार के सभी निवासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और देश को जिस तरह से वो विकास की ओर ले जा रहे हैं उसको और ताकत मिले, और प्रभु का आशीर्वाद मिले और वो पूरे देश को का नाम और रोशन कर सके, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज दिन भर हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम में रहे, चाहे वो सेवा का कार्यक्रम हो, चाहे वो विश्वकर्मा का जो आज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके बारे में कार्यक्रम हुआ हो, चाहे वो आज अभी इस वक्त लाभार्थी कार्यक्रम में जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो दिन भर कार्यक्रम होते रहे। उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी सुंदर एक योजना वो हमारे जो लाभार्थी हैं उनके लिए लेकर आए हैं, कारीगर जो है उनके लिए लेकर आए हैं, चाहे वो हमारे धोबी हों, नाई हों, हमारे कारपेंटर हों, फूलों से माला बनाने वाले हों, टोकरी बनाने वाले हों, ऐसे वर्ग को उन्होंने आज छुआ है जिसको शायद किसी ने देखा भी नहीं था, और छुआ ही नहीं है उनको, देश की आर्थिकी के साथ जोड़ने का एक ज़बरदस्त प्रयास किया है। उनको भी अब लोन मिल पाएगा, वो भी बैंकों के माध्यम से लोन ले सकेंगे और अपने बिजनेसेस को, अपनी जो कार्य करते हैं उसको और अच्छा कर सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इसी तरह से हम दिव्यांग बच्चों के बीच में आज बैठे, वहाँ पर हमने दिव्यांग बच्चों की जो उनके लिए कुछ वहाँ पर सहायता की, साथ ही साथ आज यहाँ लाभार्थियों के साथ हम लोग बैठे, जहाँ अनेक किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, तो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको लाभ मिला है, कोई किसान पेंशन ले रहा है, तो ऐसे अनेकों अनेक लोगों से आज हम लोग यहाँ पर मिले और देखकर खुशी हुई कि इन योजनाओं के कारण इन लोगों का भी विकास हुआ है, लोगों का विकास हुआ है। तो एक बार फिर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। रमेश जी, वार्ड नंबर 29 जमनपुर, इसके अंतर्गत 30 अन्य लोग सम्मिलित हैं और वार्ड नंबर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।